छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से नंद कुमार साय जी ने, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ संयुक्त था तो प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी संभाला और पार्टी ने हमेशा उनको सम्मान का दर्जा दिया, चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो चाहे प्रदेश स्तर का हो। 3 बार लोकसभा के चुनाव लड़े, लोकसभा के सांसद रहे, पार्टी ने राज्यसभा में 2 बार भेजने का काम किया। अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व उनके कंधे में था, जो उन्होंने उसका निर्वहन किया। तो पूरी नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से भी उन्होंने काम किया, तो जो दायित्व पार्टी ने दिया, पार्टी ने सम्मान दिया, उसके बाद भी उन्होंने अपना निर्णय लिया है। हाँ, एक वरिष्ठ नेता हैं, राजनीति में सब कुछ जानते समझते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा, एक नए दल में जा रहे हैं तो मैं अपनी ओर से शुभकामना व्यक्त करता हूँ। अब क्या कारण है ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर मैं आज की तारीख में जितनी मेरी जानकारी है, मैं तो यही कहूँगा कि यदि पार्टी छोड़ा है और 40-50 साल का मेहनत तपस्या छोड़ के जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आज बीजेपी की तरफ से मैं यही कहूँगा कि मेरी शुभकामना उनके।